हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ऑल यू वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज। टुडे वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 14, सेफ्टी हैबिट्स। सेफ्टी हैबिट्स का मतलब होता है जो सुरक्षित आदतें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षित रहने के लिए क्या हैबिट्स होनी ज़रूरी है या सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी है वो पढ़ते हैं। यू शुड लर्न सेफ्टी हैबिट्स, दे विल हेल्प यू स्टे सेफ एंड अदर्स टू। यू नीड टू फॉलो सेफ्टी हैबिट्स ऑल द टाइम। हमें सेफ्टी हैबिट्स सीखनी चाहिए जो कि हमें और हमारे और दूसरे लोगों को सुरक्षित रहने में मदद करेगी। और हमें सेफ्टी हैबिट्स को सभी प्रत्येक समय उसको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट बता रहे कौन से टाइम पर, फर्स्ट है वाइल वॉकिंग यानी चलने के दौरान। ऑलवेज बी वेरी अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। इफ़ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। अगर कोई फुटपाथ नहीं है तो हमें रोड के राइट साइड में चलना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने के दौरान। वॉच द ट्रैफिक लाइट्स बिफोर यू क्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करने से पहले जो ट्रैफिक लाइट्स है उनको देखना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग यूज द पेडेस्ट्रियन और जेब्रा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग जी हाँ, रोड क्रॉस करने के दौरान जेब्रा क्रॉसिंग लाइन का यूज करना चाहिए। क्रॉस ओनली व्हेन द लाइट इज ग्रीन। क्रॉस तभी, रोड क्रॉस तभी करना चाहिए जब जो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है जो है वो ग्रीन कलर की हो। व्हेन यू ट्रेवल बाय बस, बस में सफ़र करने के दौरान। ऑलवेज स्टैंड इन ए क्वी व्हेन यू बोर्ड ए बस। डू नॉट पुश ईच अदर और मेक हरी, इट कैन इंजर समबडी और सम वन फॉल एंड गेट वाउंडेड। जब आप बस में चढ़ रहे हों तो दरवाजे पर जो एंगल लगा होता है उसको पकड़ना चाहिए और किसी को जल्दबाजी में धक्का नहीं देना चाहिए। इससे कि इस अगर धक्का देने से किसी को कोई गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। डू नॉट लेन आउट ऑफ द विंडोज, सिट क्वाइटली इनसाइड ए मूविंग बस। बस की खिड़की से हाथ या मुंह जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए और बस की, बस में चुपचाप बैठना चाहिए। वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान। डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द रोड और नियर एन ओपन ड्रेन। कभी भी सड़क पर खेल नहीं खेलना चाहिए और किसी ओपन ड्रेन के पास भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स और रन आफ्टर द काइट्स ऑन द रोड, प्ले इन ओपन ग्राउंड एंड पार्क। कभी भी पतंग के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए और हमें हमेशा ओपन ग्राउंड यानी खुले मैदान में ही खेलना चाहिए और पार्क में खेलना चाहिए। उसके बाद डू यू नो में लिखा है द येलो ट्रैफिक लाइट इंडिकेट टू वेट। जो ट्रैफिक, येलो ट्रैफिक लाइट जो होती है वो रुकने का संकेत देती है। सॉरी, जो येलो लाइट जो होती है वो वेट करने का संकेत करती है।
वाइल वर्किंग विथ टूल्स, औजारों से या टूल्स या औजारों से काम करने के दौरान। वैन वर्किंग विथ टूल्स बी केयरफुल एंड लुक एट वॉट यू आर डूइंग, डू नॉट प्ले विथ पॉइंटेड टूल्स, यूज देम केयरफुली। जब औजारों से काम कर रहे हों तब सावधानी से करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम क्या कर रहे हैं, और किसी भी नुकीले औजार से खेलना नहीं चाहिए और उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। वाइल हैंडलिंग फायर, आग जलाते समय। डू नॉट प्ले विथ फायर आफ्टर यूजिंग ए मैच स्टिक, पुट इट इन ए सेफ प्लेस। हमें आग से कभी खेलना नहीं चाहिए। एक माचिस को इस्तेमाल करने के बाद उसे सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। वाइल स्विमिंग, तैरने के दौरान। नेवर गो स्विमिंग अलोन, कभी भी अकेले स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। लर्न टू स्विम विथ ए रबर ट्यूब, हमें जो स्विमिंग है वो एक रबर ट्यूब की मदद से ही सीखनी चाहिए। डू नॉट स्विम इन डीप पूल्स, गहरे पूल्स में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, आज की क्लास आवर होती है। थैंक यू।